ऑब्जर्व करने की चीज़ें थी वो मैं ऑब्जर्व करता था, जो नहीं थी तो सिखाती थी तो मैं थोड़ा शांत हो जाता था, बट ठीक है एक्सपीरियंस और लड़े सुन लेता बट नो डाउट काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मेरे को अच्छा ही सिखाया। रोमांटिक सॉन्ग है, कैसी केमिस्ट्री लगी आपको? आई थिंक वी द प्लेस दैट वी शॉट इन वो इतना खूबसूरत था कि अपने आप माहौल बहुत रोमांटिक था। आई रिमेम्बर एक ऐसा पहाड़ था जिसपे सबसे ऊंचे रॉक पे फिरोज जी ने हमें बोला, पत्थर वाला, फिरोज जी ने बोला गो बोथ ऑफ यू गो एंड स्टैंड देयर एंड जस्ट गिव पोजेस, एंड हम दोनों सोच रहे थे अरे बाप रे हम क्या करें। इट वाज सो लिटरली लास्ट एक दो बार वो स्लिप होने वाली थी, बट फिर भी इसमें बहुत अच्छा शॉट था, वो सबसे अच्छा शॉट था पूरे सॉन्ग का। मैंने नहीं देखा, नहीं देखा, आई बिजी पर्सनालिटी बट इट्स ओके, आई हैव नॉट सीन द वीडियो येट, आई एम एक्साइटेड, आई वांट टू सी इट। कि आप दोनों ने एक्ट किया इस गाने में, अगर कुछ स्नीक पीक हो जाए गा के सुना दे आप दोनों ये गाना। हाँ ऑफकोर्स, इवन प्रतीका की आवाज़ तो बहुत अच्छी है, मेरी आवाज़ तो सुनने से अच्छी नहीं लग रही होगी बट प्रतीका की आवाज़ कमाल की है। तेरे पे एतबार करती सी मैं तेनू भूलना चाहती हूँ। गाना मेरा नहीं है, गाना किसी और सिंगर का है, उनसे गवाइए। नहीं सीरियसली बहुत अच्छा गाया, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक वीडियो के बारे में? एज ए डेब्यूटेंट कितने एक्साइटेड और नर्वस है क्योंकि सब अभी देखने वाले हैं थोड़े। एक्चुअली मेरा डेब्यू नहीं है, मैंने इससे पहले एक मूवी भी कर रखी है, बेदाद उसका नाम है, उससे पहले मैंने एक मूवी भी करी थी सच बोल, तो एज ए डेब्यू नहीं है बट अच्छा एक्सपीरियंस था। जितना भी मैंने एल्बम करी, एल्बम में मेरा फर्स्ट टाइम है बट प्रतीका के साथ काम करके काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया। इवन सॉन्ग भी बहुत काफ़ी रोमांटिक है, सब लोग सुनोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा और मैं चाहता हूँ कि सब लोग सुनो, लाइक करो, इट्स अ वेरी गुड रोमांटिक सॉन्ग। क्या थॉट प्रोसेस था जब ये वीडियो को आपने चूज किया या फिर वीडियो ने आपको चूज किया, तो क्या थॉट प्रोसेस था और क्यों चूज किया? चूज मेरे को एक्चुअली फिरोज भाई ने किया, मैंने चूज नहीं किया था, उन्हें मैं अच्छा लगा, बोले यार एक रोमांटिक सॉन्ग करोगे क्या, तो मैंने बोला इट्स ओके आप बोल रहे तो मैं करता हूँ, क्योंकि उनका काफ़ी नाम है, कोरियोग्राफर काफ़ी अच्छे हैं, मैंने एक दो गाने भी देखे सुनोना संगमरमर, तो काफ़ी अच्छा रोमांटिक सॉन्ग था, तो मैं कि उस टाइप का था थोड़ा, तो मैं कि ठीक है ओके अच्छा सॉन्ग है मैं करता हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उसके बाद।